नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे नीम का थाना पाटन पंचायत समिति के ग्राम डाबला की, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी पीते हैं कीड़ों से युक्त पानी, गंदा पानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाबला ग्राम के जड़ाव देवी उप स्वास्थ्य केंद्र की। इस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी परेशान हैं। यहाँ पर टंकियों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंदा पानी है, जिसमें मेंढक, कीड़े मकोड़े और मच्छर आदि मरे हुए पड़े हैं इन टंकियों में। और इन 5 से 7 टंकियों का मुँह है, खुला है और खुला छोड़ दिया गया, सिंथेटिक की टंकियां हैं। और मरीज क्या पानी पीते होंगे, किस प्रकार से स्वास्थ्य के नाम पर मरीजों के खिलवाड़ किया जा रहा है स्वास्थ्य के साथ। मरीज दिखाने आएगा हॉस्पिटल में, ठीक होने आएगा हॉस्पिटल में, लेकिन शायद बीमार होकर भी जाएगा इसी हॉस्पिटल से। जी हाँ, डाबला के जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि हमने विकास किया है डाबला ग्राम में, लेकिन आप देख सकते हो किस प्रकार का डाबला ग्राम की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। पानी की टंकियाँ खुली पड़ी हैं, जर्जर हालत में बिल्डिंगें हैं, एक पानी की टंकी बनी हुई है, ये कभी भी हॉस्पिटल परिसर में गिर सकती है, नुकसान जान माल का हो सकता है। और जो खड्डे खोद रखे हैं खुले में, ये आप देख सकते हो, इसमें कोई भी पड़ के कोई भी जीव जंतु या कोई भी मानव इंसान गिर सकता है और मौत हो सकती है और बहुत बड़ी घटना हो सकती है। किस प्रकार से ये खड्डे पड़े हैं जर्जर हालत में और इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर भी यहाँ पर गए हुए थे, ताला खुला छोड़कर गेट का, तब हमारे रिपोर्टर ने कैमरे में कैद किया कि किस प्रकार से इस नवीन बिल्डिंग को जर्जर बिल्डिंग घेरे हुई है, गड्ढे घेरे हुए हैं। और आप इन गड्ढों में भी देख सकते हो किस प्रकार से इस सीमेंट की टंकी जो है, गड्ढा बना हुआ है, इसका ढक्कन खुला है और आसपास के क्षेत्र में जो ये गड्ढे बने हुए हैं इस क्षेत्र में अस्पताल परिसर में, इनमें खुले में कचरा डाला जा रहा है, जिससे कीटाणु जीवाणु फैलेंगे। जो भी दवा का, मरीजों का जो भी बैंडेज, पट्टी वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सभी डाले गए हैं खुले में। और ये जर्जर हालत में काफ़ी, यहाँ का भवन कुछ पुराना हो चुका है, वो हो चुका है। और इसमें इस मामले में बात की गई जब उपखंड अधिकारी नीमका थाना से, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय मामला है, आप उनसे बात करिए। और इसके बाद में जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं BCMHO अशोक यादव, उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो मैं देखता हूं और इसकी सफाई करवा दूंगा कल, उन्होंने ऐसा कहा है अशोक यादव ने। इसके साथ साथ आप देख सकते हो इस हॉस्पिटल परिसर में ये खुले में टंकियां बनी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जर्जर हालत में पानी की टंकी हैं, जो टंकियां ऊपर है जो सिंथेटिक की, प्लास्टिक की, वो खुले में सारे ढक्कन नहीं है किसी के भी, और गंदा पानी है कीड़ों से युक्त। और इस मामले में जब मानवाधिकार सीकर जिला अध्यक्ष ईश्वर आशट से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में अव्यवस्था है, तो डाबला ग्राम की जनता के साथ मानवीय संवेदना के साथ अन्याय है, इस प्रकार का गंदा पानी कचरा नहीं होना चाहिए और हॉस्पिटल के लिए बजट भी पास होना चाहिए। पहले भी स्टाफ से बात की गई थी तो बजट इस हॉस्पिटल को नहीं मिल रहा। स्थानीय नेता भी दावा करते हैं कि हमने डाबला में विकास करवाया, लेकिन डाबला ग्राम की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, ये विश्वासघात है ये, कि किस प्रकार से डाबला ग्राम के जनता के साथ ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में कोई मरीज आएगा बीमार से ठीक होने, लेकिन यहाँ तो और बीमार होकर जा सकता है ये गंदा पानी पीने से, ये कचरे की दुर्गंध से, कीटाणुओं से। इस मामले में शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और स्थानीय नेताओं को भी सबक लेना चाहिए डाबला ग्राम की जनता के लिए। हर प्रकार की मुख्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।